हाय, तसेच या चांगल्यांनी तो ब्लॉग मध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे. आज स्वातंत्र्य दिनानिमित्त सोसायटीमध्ये कार्यक्रम आहे. सो आम्ही खाली जात आहोत. अन्वी नगर झोपलेली, पण जायचे म्हणून तरी लवकर उठली. अन्वी काहीतरी खडकल दे नाईक कपडे तर तुम्ही मी टाटा टाटा हा हा टाटा करते. आणखी खाली जायचे. हॅलो हॅलो गे कोणा रे वरती हल्ले सनु हॅलो बोल. हॅलो बोल. हॅलो आले नाही बोल. आणि हमारी बच्चे जो है आज 3 प्रोग्राम करने जा रहे हैं.
अभिभाषण में आते हैं, बिल्कुल पंक्चुअल है और 11 बजे तक ये पूरा अपना अपने आप को उन्होंने डेडिकेट कर रखा है, एक संत की तरह, एक जो एक अच्छे शिष्य की तरह ये 1.5 घंटा तक इस मिली गुरुकुलम में रहते हैं। इसमें इन्होंने कुछ मंत्र सीखे हैं, जो मंत्र आपके सामने ये बोलेंगे, जिससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। इसके बाद में दो स्किट है जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो हम शुरू करते हैं मंत्रों से। हमारे 5 ग्रुप है, विश्वामित्र ग्रुप, वशिष्ठ ग्रुप, गार्गी ग्रुप, हेनरी ग्रुप और अगस्त्य ग्रुप। ये ग्रुप जो है अपने अपने मंत्रों को यहाँ पर गाएंगे। आप सभी जो है बड़े भाव से इनको आशीर्वाद दीजिए और भाव कीजिए कि स्वयं देवताओं के रूप में हमारे बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं। Are we ready? Is everybody ready to watch our kids perform? Let's start. आज हमारे बाल उत्कर्ष यानी मिनी गुरुकुलम के बच्चे यहाँ पे एक नाट्य प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें वो धरती की रंग हरे रंग को बचाने और प्लास्टिक ना उपयोग करने की
अवधि बताएंगे। बीच में आएंगे मतलब अंगदान, मतलब ऑर्गन डोनेशन। वो इतना बड़ा
समझे मेरे प्यारों, किस चीज का दान? वह तो सुनने में ही अजीब लगता है, क्या ये असलियत में संभव भी है? अब दान को लेके इतने सवाल, इतने प्रश्न, उनका क्या है जवाब? क्या करे और क्या ना करे? गलत है, नहीं गलत है, अंग दान को लेकर गलत है। मैं तो बूढ़ी औरत हूँ, मेरे अंगों का क्या काम? अमीरों को फायदा पड़ेगा, गरीब लोगों को नहीं। मुझे तो लगता है इनके इलाज का खर्चा भी हमें ही ना देना पड़ जाएगा। हमारे धर्म में इसकी इजाजत नहीं है। तो मैं अगले जन्म में अभी पैदा हो जाऊँ? मैं तो हमेशा बीमारी रहती हूँ, मेरे अंगों का क्या काम? अंगदान तो एक हवाला है। अरे अगर डॉक्टर को पता चल गया कि मैं एक रजिस्टर्ड ऑर्गन डोनर हूँ तो कहीं वह मेरे ठीक होने में मदद ना करे। ये सारी गलत फहमियाँ, क्या तुम्हें अंगदान को लेकर कुछ पता भी है? इनको तो कुछ नहीं पता, लेकिन हमें तो पता है, चलो बताते हैं। आप में से कितने व्यक्ति दाता हैं? वाह, ये हुई ना बात। अंगदान कोई हवा नहीं, हम इसे क्यों डरे? सही बात, सही बात। किसी भी उम्र का व्यक्ति अंगदान कर सकता है और किसी का भी जीवन बचा सकता है। सही बात, सही बात। अंगदान को पुण्य मानते हैं। सही बात, सही बात। अंगदान करने से 8 लोगों की जान बचाई जा सकती है और 50 लोगों की जिंदगियां बदल जा सकती है। सही बात, सही बात, सही बात। हम अपना आंखें, दिल, लीवर और किडनी ट्रांसफर कर सकते हैं। सही बात, सही बात। ब्रेन टच के टाइम पे हमें 2 दिन के अंदर अंगदान करा लेना है। सही बात, सही बात। आपको अंगदान करवाने के समय कोई भी खर्चा उठाना नहीं पड़ेगा, बल्कि जो अंगदान करवा रहा है वो आपका सारा खर्चा उठाएगा। सही बात, सही बात। मरने के बाद भी आप पुण्य का काम कर सकते हैं। सही बात, सही बात। तो देखा आपने, अंगदान एक कितना बड़ा दान है। सही बात, सही बात। तो सभी आगे आइए और अपना दाया हाथ अपने दिल में रखे और हमारे साथ बोले, अगर जिंदगी में कभी मौका मिले तो अपना अंगदान करेंगे, किसी की जान बचाएंगे, खुशियाँ फैलाएंगे, जागरूक करेंगे। आंखों से मिलती है रोशनी, दिल से मिलती है धड़कन, मिलेगा किसी को जीवन दान जब हम करेंगे अंगदान। अंगदान, समाज सेवा से बहुत बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं। अपने कॉम्प्लेक्स में उनकी इच्छा थी कुछ अच्छा करें और उन्होंने 10 बच्चों से चालू करके आज 30 बच्चे उनके साथ बाल उत्कर्ष में मिनी गुरुकुलम में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उन पर अच्छे संस्कार हो रहे हैं। काफ़ी पेरेंट्स ने हमें रिक्वेस्ट की है कि थोड़ा टीनेजर्स के लिए भी कुछ करो। रेखा जी उसके ऊपर काम कर रही है, इतना लंबा प्रोग्राम नहीं बट कुछ हफ्तों का एक टीनेजर्स के लिए अच्छा प्रोग्राम वो बनाने वाले हैं। और वो अपने कॉम्प्लेक्स में लास्ट ईयर गणेश फेस्टिवल में उन्होंने एक यज्ञ किया था अपने हॉल में, उसके बाद में वो सिलसिला अभी अपने कॉम्प्लेक्स में चालू है। लास्ट 3 महीने से हर एक संडे को किसी न किसी घर में हवन हो रहा है, यज्ञ हो रहा है और उनके साथ जो उनका टीम है, रेखा जी और अमन के साथ राजकता जी, साक्षी, जिगीशा है अनामी का, वो उनको सहकारी कर रही है। तो किसी के घर में भी अगर हवन करना है, यज्ञ करना है तो बिना शुल्क वो श्रद्धा से हवन करते हैं। तो आप आपके नाम वो टीम के पास दे सकते हैं सो दैट अपने पूरे कॉम्प्लेक्स में एक अच्छा माहौल बन जाए। थैंक यू सो मच रेखा जी एंड अमर जी फॉर योर एंटायर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कॉम्प्लेक्स। दुनिया वालों, पूरी नजर ना हफ्ते डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, पूरी नजर ना हफ्ते डालो। जाने कितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे।
सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी न लगना हमने डालो, जावे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। हमने कहा है क्या आज शुद्ध है ना माओ भेट लिए
कर दिया ना माओ बेटे इतना ऐसा होता से नहीं। प्रोग्राम झालेला आहे आम्ही काही हंटर नाही म्हणून लवकरच निघालो घरी। सो कार्यक्रम कसा वाटला तुम्ही नक्कीच सांगा, लाईक करा व्हिडिओला।